सानहा जड़ावाला की मसीही बरादरी ने जड़ावाला में फौज को तलब करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जड़ावाला के लोगों ने मदद के लिए आने वाले लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पर अभी तक खतरा है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके रिश्तेदार मसीहियों पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे बंदों के नाम जो आपने पुलिस को दिए हैं वापस लें, वरना हम आप पर दोबारा से घेराव करेंगे। उस मौका पर मसीहियों ने मदद के लिए आने वाले लोगों और आला हकाम से अपील की है कि हमारे इलाके में फौज को तैनात किया जाए, क्योंकि हमें अभी भी खौफ है कि चंद शरपसंद अनासिर दोबारा से हमारे लोगों पर हमला कर सकते हैं। असि इस टाइम जड़ावाला पहुंचे हैं जी, कड़ी कलोनी दस नासर कलोनी, नासर कलोनी इस टाइम अभी खड़े हैं। दोपहर के 12 का टाइम है और सानू यही पता चलिया कि इतने बच्चों के कपड़े वगैरह, यानी कि घर सड़न के नाल कपड़े वगैरह की बड़ी शिद्दत जरूरत सी। असी वो लैके पानी के कूलर वगैरह लैके पहुंचे हाँ, लेकिन इतने जो आए हैं तो अगर कोई मसला हो रहा है, क्योंकि इतने दोबारा फिर शरंगेजी फैल रही है और मसीहियों के नाल फिर बदतमीजी गाली गलोच इन्हों दिता जा रहा है और यह भाई होर इन्हों धमकियां दीतिया जा रही हैं कि साढ़े जोड़े लोग फड़वाए ने इन्हों छुड़वाओ, अगर नहीं छुड़वाओगे तो अभी तुहाडे दोबारा अटैक करांगे। और यह कोल मौजूद ने और इन्हों की बयानी तुम सुन लो जो भी है। जी भाई, यहाँ पे मुस्लिम फैमिली कुछ हमारे साथ भी हैं और कुछ फैमिली ऐसी हैं कि जो हमें धमकियाँ भी दे रही हैं कि अगर आपने हमारे बंदे ना छुड़वाए तो हमने फिर आपके ऊपर अटैक करना, और आपके पास्टर चूरे जो है जिन्होंने ये काम शुरू किया है उनको जाकर बोले, जो यहाँ पे राशन वगैरह देने के लिए लोग आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी हो रही है क्योंकि आप इनको राशन जो दे रहे हैं ये हमारे लोग मुस्लिम लोग दे रहे हैं, अगर मुस्लिम लोग भी दे रहे हैं तो एक मोहब्बत के तौर पर दे रहे हैं कि जी ये मसीहियों के साथ ऐसे किया, और अगर ये जुल्म नहीं हुआ तो ये पूरी दुनिया देख रही है अभी कि ये जुल्म नहीं है, हमारे चर्चे जलाए गए हैं, हमारे लोगों पे अटैक किया गया है, ये जुल्म नहीं है। और अभी धमकियाँ मिल रही है कि वो बंदे छुड़वाए हैं, कुछ एडवोकेट है, कुछ फील है हमारे जो शहर में जो अभी अपना वो कर रहे काम, ये हमारे बंदे छुड़वाए जाए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जड़ावाला की आवाम मसीह बलाजी की हेल्प की जाए, क्योंकि रेंजर्स तलब की जाए। पहले 2-4 दिन रेंजर्स यहाँ पे रुकी है, लेकिन जैसे मसला हल हुआ है तो उसके बाद फिर रेंजर्स गई और पुलिस की अभी कस्टडी में, लेकिन लोग जो ना कंट्रोल से बाहर है अभी। जी बाबा जी, तुसी कह रहे थे उन्हें कुछ तुम्हारे ना की हुई बदतमीजी उस औरत ने की, जी उन्हें जी गाला गलोच किया तो उन्हें आख्या भी अभी तुहाडे नाल फिर अगे तरह करा जिस तरह अगे हुई है। किस वजह तो की वजह जी आ खाना दाना आता ना साढ़े, हाँ जी वो साढ़े क्रिश्चन बिलादरी लिया आ जी, ठीक है ये आंदे ने भी साडे मुस्लिम भेजन डए ते कुत्ते खांदे ने ते हनेरे ने। देखो जी तुसी गल सुन लीती है कि वो कह रहे ने कि साडे मुसलमान भाई भैन भाई भी भेजदे पे ने और इन्हां नूं फिर यानी कि वो भी चीज नहीं बर्दाश्त हो रही कि अगर इन्हां दी कोई हेल्प कर रहा है और वो भी वो इन्हां नूं गाली गलोच करदे पे ने कि तुसी ये चीजां जिहड़ियां ने साडे लोगों को लै रहे हो। तो अपील है जी साडी हुकूमत पाकिस्तान अगे और अपने जिहड़े साडे फौज दे जिहड़े ने सरबराह जनाब मनीर साहब अगे कि मेहरबानी करके इतने फौज वास्ते कोई कोई अमल दरामद किया जाए, फौज में इतने थोड़ी देर वास्ते भेज दे कि क्योंकि इतने जो मामला वे मेरा ख्याल है कि पुलिस तो सही नहीं होएगा, पुलिस वाले बैठे ने परे साइड से इन्हों मसले मसायल परेशानियां गाली गलोज उस तरह ही है, अगर किसी को कोई उन्हों का डर होए पुलिस वाले का तो शायद ना होए। तो सर सारे इलाके में हो रहा पूरे ये फैसला जड़ा वाले में, पूरे जड़ा वाले में ऐसी धमकी हो रही है, हर बंदा जो परेशान है, हर बंदे का बीपी हाई हो रहा लो हो रहा है, मुसीबत में फंसे हुए, कोई बंदा नहीं ऐसा कि जो कोई समझे कि मैं तंदुरुस्त हूँ, एक आदमी परेशान नहीं कि हालात में मर गया, दूसरा हर बंदा परेशान है, बच्चे बच्चे एक दूसरे ताने मीने कर रहे हैं, गलतियाँ बातें कर रहे हैं, ऐसे कि हमें बच्चों से भी डर रहा था कि हमारे बच्चों से बातें ना करें। सर जनाब ये ताज़ी खबर है, बुध का रोज़ है 12:30 का टाइम 12:15 का और असी हूँ इतने मौजूद हाँ उस जगह के उत्ते बुध वाले दिन पिछले बुध का हादसा होया तो दोबारा अज फिर बुध है, तो मेहरबानी करके हुकूमत अगर अपील है कि फौरी इस एक्शन लिता जाए और फौज में इतने तलब किया जाए। बहुत शुक्रिया।